अस्सलाम वालेकुम हेलो लर्नर्स उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे जैसा कि हम रिसर्च बाय मेथड को डिस्कस कर रहे थे और रिसर्च बाय मेथड में हमने जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था जिसमें फ़र्स्ट वन हिस्ट्री का रिसर्च हमने पढ़ा उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थर्ड वन को रिलेशन रिसर्च कैजुअल कम्पैरटिव रिसर्च और आज हम जो डिस्कस करेंगे लास्ट वन वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये सभी जो हैं वो रिसर्च बाय मेथड की टाइप्स uh, हैं और जो लास्ट वन हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और जिसे ये सबसे ही रिलायबल और अथेंटिक जो रिसर्च मानी जाती है उसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है इसको जो है वो रियल सिचुएशन में हम इसको कंडक्ट करते हैं और इसको हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इसको अप्रूव किया जाता है चले हम स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जो एक्सपेरिमेंटरी रिसर्च है ये है कंडक्ट इन रियल सिचुएशन एंड रिलेट टू दी एक्चुअल प्रॉब्लम्स इसमें जो है वो हमने एक प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना होता है और उसके बाद उसको रियल सिचुएशन के साथ कंपेयर करके उसको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम प्रूव करते हैं द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस रिसर्च डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स इसमें जो एक्सपेरीमेंटरी रिसर्च होता है इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उसको जो रिसर्च होती है वो पार्टिसिपेंट उसको टू ग्रुप्स में डिवाइड करता है एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते और जो हमारा जो है वो दूसरा जो ग्रुप होता है जिसको हमने नाम दिया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसमें हम जो है अपनी तरफ से जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं वन इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड देयर इज़ नो मैनिपुलेशन ऑन दी अदर हैंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसर्च मैन्यूपलेट द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन दिस ग्रुप मिसाल के तौर पर अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं टीचिंग मैथड पर ही कि लेक्चर मैथड ज़्यादा बे, बेटर है या डिस्कशन मैथड ज़्यादा बेनिफिट है तो हम इसमें यह करेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिस्कशन मैथड जो है डिसकस करने से जो मैथड हम अप्लाई uh, कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं या नहीं उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं और एट द एंड जो हम लेक्चर मेथड होगा और जो डिस्कशन मेथड होगा उन दोनों को कंपेयर करेंगे इसको हम क्या कहेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अच्छा इसमें जो है अगर आप सेकंड लास्ट पॉइंट पे uh, गौर करें uh, तो इन दिस रिसर्च टू कैट इफेक्ट ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें जो एक वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और जो वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो जितने दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनको इफ़ेक्ट करेगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो क्या है अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग के डिस्कशन मैथड के ज़रिए अगर हम पढ़ाएंगे तो उसका जो है वो इम्पेक्ट उनकी बच्चों की अचीवमेंट पर क्या होगा अगर हम मूव करें लास्ट पॉइंट की तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नो एज़ ट्रीटमेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स नो एज़ आउटकम वेरिएबल्स जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा वो होगा कंट्रोल ग्रुप और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा डिपेंडेंट वेरिएबल जिससे हम इम्पैक्ट या अपनी आउटकम्स जो हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जरिए निकाल रहे हैं वो हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसमें आप ये भी ले सकते हैं कि एक कंट्रोल ग्रुप है जिसमें हमने एक महसूस ट्रीटमेंट या एक महसूस टम्परेचर पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है लेबॉर्ट्री के अंदर और अगर हम ए, उसी प्रोडक्ट को डिफरेंट टम्परेचरस पे ट्रीट करेंगे तो उनका जो डिफरेंट टम्परेचर पे ट्रीट कर रहे हैं और जो कंट्रोल ग्रुप में टेम्परेचर लिया गया था उनका आपस में मुवजना करके हम जो है वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम, हम इंज़ाम की एक्टिविटी चेक कर रहे हैं राइस के ऊपर किसी राइस को हम ट्रीट कर रहे हैं कि उसका सोकिंग का प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाए ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो राइस होगा उसको हम डिफरेंट इंज़ाम्स के साथ ट्रीट करेंगे मुख्तलिफ़ टम्परेचरस पे और जो मुख्तफ़ टेम्परेचर है उसमें हम ये देखेंगे कौन सा इंज़ाम जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पर एक्टिविटी जिसकी ज़्यादा है ताकि हम उसका सोकिंग प्रोसीजर जो है वो रिमूव कर सकें दैट्स ऑल अबाउट दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड इट्स इम्पोर्टेंस थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़